अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे सीखे में हम पढ़ रहे हैं सबक तस्वीर। सबक के पहले हिस्से में हमने देखा खत निगारी, लकीरों के जरिए हमने शक्लें बनाई और शक्लों के जरिए हमने एक तस्वीर बनाई। अब सबक के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे नक्श। नक्श कैसे होते हैं? आपने अपने घर के पर्दों पर देखा होगा, कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, वो क्या होते हैं? नक्श होते हैं। अपने कपड़ों पर, साड़ियों पर कुछ खूबसूरत खूबसूरत नक्श होते हैं। वो नक्श कैसे दिखते हैं और वो कैसे होते हैं, इसको हम रंगीन कागज़ की मदद से उन नक्शों को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो नक्श किस तरीके से हो सकते हैं। सो नक्श के काम बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ रंगों के मुरब्बा लिए हैं, मुसल्लस लिए हैं और दायरा लिए है। अब हम देखेंगे कि इनकी मदद से हम नक्श कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दायरा लेंगे। बच्चों, ये एक हमने दायरे के जरिए एक नक्श का काम बनाया। इस तरीके के नक्श आप कपड़ों पर, साड़ियों पर और घर के पर्दों पर आपको दिखाई देता होगा। अब हम मुसल्लस के जरिए बनाएंगे। इस तरीके से आप इसको अलग अलग रंगों के जरिए भी बना सकते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है, सिर्फ आप इतने पर गौर कीजिए, ये एक पैटर्न है, ये एक नक्श है, ये एक डिजाइन है। अब हम बनाएंगे मुरब्बे के जरिए। हमारे पास मुरब्बा है, मुरब्बे के जरिए हम तरीके से बना सकते हैं। ये एक पैटर्न हो गया। इसके बाद ये एक डिजाइन हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। उसके बाद हम बना सकते हैं इसमें, अगर हम दायरे का इस्तेमाल करें, इसमें अगर हम मुसल्लस का इस्तेमाल करें तो भी ये और भी खूबसूरत बन सकता है। इस तरीके से हमने मुसल्लस, मुरब्बा और दायरे के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के नक्श और मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न बनाए हैं। तो आप भी अपने घर पे इसे बनाइए और अपने असातिज़ा को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।